अभी मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, जल्दी से कोई इस पर बात नहीं करता, बट मैंने अपने अनुभव से एक चीज़ समझी है कि हमारे इंडिया में सेक्स से संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, बट फिर भी हम खुल के बात नहीं कर पाते, अपनी प्रॉब्लम्स को बता नहीं पाते। इस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, हमें पता ही नहीं होता हमें एक्चुअल में करना क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर इंटीमेट होते हो अपनी वाइफ के साथ में तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स आते हैं। आज तक आपने इसके नेगेटिव सुने होंगे, बट आज मैं आपको इसके पॉजिटिव बताऊंगा। अगर आप प्रेगनेंसी में इंटीमेट हो रहे हो तो ये आपकी वाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और वो कौन कौन से बेनिफिट उसमें होंगे बताता हूँ। ये कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है, यानी कि आपकी एक्सरसाइज वही हो जाती है, एक्सरसाइज की वजह से ये कैलोरी बर्न करता है, यानी कि ये आपके फैट लॉस में भी हेल्प करता है। ऑर्गेजम जो महिलाओं को होता है, एक चरम सुख ऑर्गेजम की प्राप्ति होती है, यानी कि महिलाएं कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाती है अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर इंटीमेट होते हो तो। सोने की क्वालिटी बढ़ जाती है। देखो, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी उसके प्रॉब्लम्स आती है, उसको नींद नहीं आती, उसके दर्द रहता है, उसको बहुत अजीब अजीब सी बदबू आती है, खाना खाने का मन नहीं करता, इस वजह से उसको नींद नहीं आती। बट आप अगर प्रेगनेंसी में इंटीमेट हो रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को हेल्प कर रहे हो अच्छी नींद लाने के लिए, और महिलाओं को होने वाले पेन के अंदर ये रिलीफ देता है, यानी कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। इम्यूनिटी, अगर आप प्रॉपर वे में इंटीमेट हो रहे हो तो ये आपकी और आपकी वाइफ की दोनों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब आपकी वाइफ की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद उसकी बॉडी को बैकअप होने में बहुत फास्ट गति मिलती है, इफ़ यू हैव सेक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विद योर लाइफ पार्टनर। ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, यानी कि किसी तरह की ब्लड में ना तो अप आएगा ना डाउन आएगा। सबसे लास्ट, हैप्पीनेस को ये इंक्रीज करता है। अगर आप और आपके पार्टनर खुश रहना चाहते हैं तो बिल्कुल कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप प्रेगनेंसी में इंटीमेट हो सकते हो। फायदे मैंने आपको बता दिए, बाकी आपके ऊपर है। बट इंटीमेट होने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो तो इसके बेनिफिट होने की बजाय ये नेगेटिव चले जाएंगे, और वो चीज़ें कौन सी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फोर्सफुली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बॉडी में किसी तरह की खिंचाता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब माइंड रिलैक्स हो तभी आप यह स्टेप उठाएं। दूसरी बात, ये मैं बता रहा हूँ मिड प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले बेनिफिट है, ये जो बेनिफिट मैं बता रहा हूँ ये मिड प्रेगनेंसी में होते हैं, यानी कि अर्ली जो प्रेगनेंसी होती है, यानी कि 3 महीने से लेके और 6 महीने तक, इसमें आप अगर इंटीमेट होते हो तो किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, बल्कि इसके बेनिफिट आते हैं। अगर इसके बाद आप इंटीमेट हो रहे हो तो आपको काफ़ी सेंसिटिव होना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने वजन का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको प्रेशर का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखें, क्योंकि एक गलती हुई तो उसका हर्जाना आपको और आपके पार्टनर को दोनों को भुगतना पड़ सकता है। अगर आपके पार्टनर में किसी भी तरह का डिस्चार्ज निकल रहा है तो इमीडिएटली कंसल्ट विद योर डॉक्टर, डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। और हाँ, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं प्रोमिस करता हूँ आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा और आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।